अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हमारे होने वाले पति का पर्स, अगर तुम इसे लेकर पाताल लोक में भी चले जाते ना, तो भोले बाबा की कसम हम वहाँ पर भी आकर वापस लेकर जाए। अब खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से, लोगों ने देख लिया ना तुम मार मार के तुम्हें तुम्हें मार ही डालेंगे। थैंक यू दीदी। हे भोले बाबा, ये क्या किया हमने? ये सब देखकर तो अर्नब जी को यही लगेगा ना कि हम कितनी लड़ाकू लड़की है। सॉरी, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा ऐसे आपका पर्स लेके भाग गया। हम वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, वो लड़ाई भिड़ाई सच्ची, हम हमें वैसे मत समझेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे पल्लवी ज्यादा पसंद आई। एंड जिस तरीके से तुमने मुझे अपना पति बोला, आई लाइक दैट, क्यूट लगा मुझे। वैसे मैं तुम्हें एक चीज भी बताना चाहता हूँ। बताइए ना। मैंने मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई किया। वैसे ये बात अभी मैंने ज्यादा लोगों को बताई नहीं है, तो अगर मुंबई में मेरी जॉब फिक्स हो गई तो हम दोनों मुंबई में रहेंगे। मुंबई? अरे मुंबई से लेटर आया है। शोर तो ऐसे मचा रहे हो जैसे मुंबई से लेटर नहीं, अमिताभ बच्चन खुद ही सील पैक होके लिफाफे में आए हो। आप मुझसे बात ऐसा मत किया करो वरना मैं पापा को बता दूंगा, या आप मुझ पे चिल्लाते हो। नहीं बिटवा, ये अपने पापा को ये सारी बातें बताने की कौन जरूरत नहीं। ईदो हम का मामा के आए। क्यों तुम्हारे? तुम्हारे मामा की अम्मा है समझे, ये बात से देना है। देखो तो का लिखा है लेटर में। ओ मारी, ये तो अंग्रेजी में है। मैं पढ़ू? तुम पढ़ोगे? अपनी नानी के लिए क्या नहीं कर सकते। अरे अब्बा, तो चलो नानी को पढ़ के सुनाओ। नानी के साथ चलो और ये लेटर पढ़ो। चलो चलो, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। इल पढ़ो, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। एक लाइन पढ़ने का 100 रुपया, आधा लेटर पढ़ने का 500 रुपया और पूरा लेटर पढ़ने का 2000 रुपया। पूरा पढ़ो, बड़ी चॉकलेट मिलेगी और कछु नहीं। एक नहीं पांच, नहीं तो खुद पढ़ लो। अरे ढको स्लो, पांच चॉकलेट पहले पढ़ो पढ़ो। मिस्टर अर्नब शास्त्री, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू, यू आर शॉर्टलिस्टेड इन आवर कंपनी। समझ आया कुछ? हिंदी में समझाना बिचवा। मामा की जॉब मतलब नौकरी, उसका इंटरव्यू है मुंबई में, उन्हें बुलाया है। अरे वाह वाह वाह, का खबर सुनाए हो वाह। मुंबई में पर अर्नब मुंबई जाएगा? मैं सबको बता कर आता हूँ। रुक रुक रुक, ए बिटवा रुक, जरा रुक। ए बिटवा, ये जो लेटर है ना, ये हमारे पास ही रहेगा, ठीक है? और ये लेटर के बारे में तुम किसी को कछु नहीं बताओगे। हाँ, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए लेटर के बारे में। ठीक, जाओ। एक नया बैड, एक नई रिमोट वाली कार और 10 चॉकलेट, बोलो है मंजूर? और कोनो ऑप्शन दिया हो तुम हमका? लाड साहब कही के ये। सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। समंदर देखा है कभी? अब रोज देखोगी? हम दोनों रोज समंदर के किनारे वॉक पे जाया करेंगे।
बाबा की जय, हम दोनों सच में मुंबई में रहेंगे। अगर वो दोनों मुंबई चले गए तो हम भी पीछे पीछे जाएंगे और जाकर समंदर में डूब जाएंगे। ये चिट्ठी अर्नब के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ये कहाँ छुपाएं? देख रही हैं बड़ी माँ? इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन को, सच में हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम्हारी शादी है। अरे गोदावरी जी जी, पल्लवी तैयार हुई कि नहीं? अरे बारात निकलने ही वाली होगी, एक क्षण में यहाँ आके खड़ी हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं है। तो ठीक है बेटा। अरे गोदावरी जी जी सो, नहीं बोलेंगे पल्लवी, भगवान से हमेशा यही मांगा है कि जल्दी से जल्दी तेरी डोली इस घर से विदा हो, पर आज आज जब वक्त आया है, दिल हल्का हो रहा है कि पल्लवी आज हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तू जिस घर में जा रही है वहां तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तुझे किसी भी चीज की कमी ना हो, तू जो भी मांगे तुझे वो सब कुछ मिले। आपके लिए तो अच्छा है ना, आप सब हमें निपटाना चाहते थे। देखिए आज हम निपटने जा रहे हैं। मत बोल पल्लो, हमारा कभी भी ये मतलब नहीं था। भगवान जानते हैं कि हम भी जानते हैं, ये सारी कहने की बातें, हम जानते हैं कि दिल से आप सबने हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा है। हम तो आपको बस छेड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या लग रहे हो दूल्हे राजा? हाँ भाई, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, भाभी देखती फ्लैट हो जाएंगी। खैर कुछ भी। अरे
हाँ कितना समय लगता है तैयार होने? लगता है मम्मी दूल्हे को भी वक्त। अच्छा दूल्हे को वक्त लगता है, दिखाओ कितना वक्त लगता है। आय हाय किसी की नजर ना लगे हमरे बिटवा को। हाँ क्या हुआ माथे पे सलपटे काहे लग रही है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप लोग चलिए ना मैं जूते पहन के आता हूँ बस। जल्दी तुम चलो हमरे साथ। हाय करिश्मा। अन्ना तुम शादी कर रहे हो? व्हाट? नहीं पागल हो क्या, किसने कहा तुम्हें ऐसा? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं करिश्मा कैसी बातें कर रही हो, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं दिल्ली में हूँ। ओके जी पापा आया बस आ रहा हूँ। करिश्मा पापा बुला रहे हैं, मैं तुम कल 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 बात करता हूँ तुमसे आराम से। ओके बाय टेक केयर बेबी। अर्णव दिमाग से सरफिरी लड़की है, हर उन्हों कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए सोचा था शादी के बाद बताऊंगा, लेकिन इसे किसने बता दिया, क्या करूं? अर्णव ए बिटवा। हाँ आया आया मम्मी। शुलाया मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, ये सोचकर कि कल को तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।